एक्सरसाइजीन पॉइंट एट का क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं अकॉर्डिंग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर होगा ठीक है क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामी इतना एंड इतना देखो क्या बोल रहा है एक कोई कंटेनर है समझ लो एक क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ एक कोई कंटेनर है इस कंटेनर में पानी भरा हुआ है टॉप लेवल तक ठीक है ऊपर तक का पानी भरा हुआ है अब आप कोई एक बॉल ले लो प्लास्टिक का या फिर कोई फुटबॉल ले लो या कोई सा एक आ, मेटल का बॉल ले लो मेटल ऐसा बॉल लो जो इस पानी में पूरा डूब जाए ठीक है तो वो बॉल जो है यहाँ पर आप जैसे ही इस पानी के अंदर डालोगे बड़ा सा बॉल इस पानी के अंदर डालोगे तो क्या होगा पानी बाहर बहने लगेगा ऐसे करके गिरने लगेगा ठीक है इधर से भी गिरेगा इधर से भी गिरेगा तो पानी का जो जगह है वो इस बॉल ने ले लिया है ठीक है तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि इस बॉल ने पानी का कितना जगह ले लिया यानी कि कितना पानी बाहर गिर गया कंटेनर से ठीक है तो देखो इस बॉल का रेडियस सॉरी डायमीटर आपको गिवन है एक तो दिया ट्वेंटी एट सेंटीमीटर और दूसरा दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू वन मीटर तो सिंपल है इस बॉल ने यहाँ पर कितना पानी कितना जगह घेरा है या फिर कितना पानी बाहर निकल गया देखो पानी उतना ही निकलेगा जितना इस बॉल ने जगह को घेर रखा है अब इस बॉल ने जगह कितना घेर रखा है ये जो बॉल है बॉल कितना जगह घेरेगा जितना इसका वॉल्यूम होगा तो हमको सिंपल सा इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना पानी बाहर आया या फिर कितना जगह इसने घेरा है ठीक है तो पहला पार्ट लेते हैं देखो फर्स्ट पार्ट में आपके पास डायमीटर दिया हुआ है ट्वेंटी एट सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर यह होता है 4 बाई थ्री पाई आर ठीक है यहाँ पर अपने को रेडियस चाहिए लेकिन अपने पास डायमीटर है तो डायमीटर का रेडियस निकाल लेते हैं डायमीटर से रेडियस होता है डायमीटर बाई टू यानी कि 28 एट डिवाइडेड बाई आप इसको काटोगे तो आएगा 14 सेंटीमीटर क्योंकि टू वन दू टू वन दू टू फोर दट ठीक है वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 4 बाई थ्री तो एज इट इज रहेगा इन टू का वैल्यू 22 टू इंटू आर क्यूब आर का वैल्यू 14 है तो 14 का क्यूब यानी कि 14 इंटू 14 इंटू फोर्टीन कट करते हैं सेवन वन जवन सेवन टू जो फोर्टीन और कुछ भी कटता हुआ नहीं दिख रहा है तो इसको कर लेते हैं देखो क्या आएगा 4 इंटू ट्वेंटी होता है 88 88 अब इससे मल्टीप्लाई करना है एटी 2 कर लेते हैं 88 एट इंटू टू टू एट जा हो गया सिक्सटीन 17, आया पर 14 14 भी है है पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना 14 14 होता कैलकुलेशन 1, 1 में कहीं कोई गलती हो तो उसको सुधार लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर इस पॉइंट पे ये गलती है और उसका सही आंसर ये है ठीक है मल्टीप्लाई करते हैं सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स सिक्स नाइनजा फिफ्टी फोर प्लस थ्री हो गया फिफ्टी सेवन सिक्स वनजा सिक्स और सिक्स प्लस फाइव हो गया इलेवन सेवन सिक्सा हो गया फोर्टी टू सेवन नाइनजा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री प्लस फोर हो गया सिक्सटी सेवन सेवन वनजा सेवन सेवन प्लस सिक्स हो गया थर्टीन वन सिक्स वन नाइनजा नाइन वन वनजा वन ये आ गया सिक्स और सेवन सेवन फोर्टीन फोर्टीन प्लस ये नाइन थी टू है सॉरी वो टू है तो ये कितना है हाँ ठीक है सेवन प्लस टू नाइन हो गया हाँ ये हो गया सिक्स प्लस वन सेवन सेवन फोर्टीन नाइन प्लस वन टेन टेन प्लस थ्री थर्टीन प्लस वन टू थ्री ये आ गया थ्री क्या आया थ्री फोर फोर नाइन सिक्स थ्री फोर फोर नाइन सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री देखो आपके टेक्स बुक में मिक्स फ्रैक्शन में नंबर दिया हुआ है आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो थ्री से अगर आप डिवाइड करोगे थ्री फोर फोर नाइन सिक्स थ्री वन जी यहाँ आ गया जीरो फोर नीचे उतरेगा अगेन थ्री वन जार थ्री यहाँ आ गया वन ये फिर से नीचे उतरेगा ये हो गया फोर्टीन थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व यहाँ बच गया टू अब ये नाइन उतारेंगे थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन ठीक है ट्वेंटी सेवन सब्ट्रैक्ट हो गया यहाँ बच गया टू लास्ट में सिक्स नीचे उतरा तो थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर नीचे बच गया टू ठीक है मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे इसको डिनोमिनेटर तो एज इट इज रहेगा थ्री का थ्री ऊपर में जो कुछ भी आया है वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ये जो रिमाइंडर है रिमाइंडर यहाँ पर आएगा और इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा डबल वन फोर नाइन एट ठीक है ऐसे ही लिखा जाता है या फिर आप इसको टू बाई थ्री को आगे भी लिख सकते हो सेंटीमीटर क्यूब आप चाहो तो इसका आंसर डेसिमल में भी ला सकते हो चाहो तो यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो लेकिन अगर पूरा कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट अब मैं इसको रब कर लेता हूं और इसका सेकेंड पार्ट भी देखते हैं तो देखो सेकेंड पार्ट के लिए आपको डायामीटर दिया हुआ है जीरो पॉइंट टू वन मीटर तो अपन को रेडियस की जरूरत पड़ती है रेडियस कितना आएगा जीरो पॉइंट टू वन डिवाइडेड बाई टू इसको ऐसे ही लेके चलते हैं फॉर्मूला में पुट करते हैं फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्वेयर इसका फॉर्मूला है फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब फोर बाई थ्री एज इट इज रहेगा पाई का वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन इन टू आर क्यूब तो ये है तो तीन बार लिखना पड़ेगा जीरो पॉइंट पॉइंट टू वन डिवाइडेड बाई टू इन टू जीरो पॉइंट टू वन डिवाइडेड बाई टू ठीक है क्या कैंसल हो रहा है देखो थ्री से ट्वेंटी वन डिविजिबल है लेकिन यहां डेसिमल में तो कैसे काटेंगे पहले इसको डेसिमल को भूल जाओ थ्री वन या थ्री

अब टू से ये कट हो जाएगा टू वन जा टू ये टू टू जा फोर टू वन जा टू टू वन जा टू ये टू वन जा टू टू वन जा टू टू वन जा टू ऊपर में क्या बचा डिनोमिनेटर सब वन हो गया ऊपर में बचा है इलेवन इंटू जीरो पॉइंट जीरो सेवन इंटू जीरो पॉइंट जीरो थ्री इंटू जीरो पॉइंट टू वन मल्टीप्लाई कर लो पहले डेसिमल को भूल जाओ बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई कर लेते फिर डेसिमल में उसको लिख लेंगे इलेवन इंटू सेवन हो गया सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन इंटू थ्री सेवेंटी सेवन इंटू थ्री थ्री सेवन ज्वेंटी सेवन ज्वेंटी वन प्लस टू हो गया ट्वेंटी थ्री इंटू यहां पर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वन टू जॉ टू टू वन जो टू थ्री टू थ्री 6 और टू टू 4, फोर ये हो गया वन थ्री प्लस टू फाइव सिक्स प्लस टू एट और फोर कहीं मल्टीप्लीकेशन में गलती हो तो उसको सही कर लेना क्या आ रहा है अपने पास फोर एट फाइव वन ठीक है अब आप डेसिमल काउंट करो यहां पर डेसिमल के बाद दो डिजिट है यहां पर डेसिमल के बाद दो डिजिट डेसिमल के बाद दो डिजिट टोटल सिक्स डिजिट हो गए ठीक है दो चार छह तो आपको राइट साइड से सिक्स डिजिट के पहले डेसिमल लगाना है कितने सिक्स डिजिट काउंट करो वन टू थ्री फोर अपने पास तो फोर ही है कोई बात नहीं सर दो जीरो ले लेते ले ले हैं इधर अब हो गया सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स डेसिमल यहां लग गया ही आ गया क्या में दिया हुआ है इसको आपको मीटर में दिया हुआ है तो यहाँ आ गया मीटर का क्यू ठीक है तो ये एक्सरसाइज थर्टीन पॉइंट एट का सेकेंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा